बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि MBBS अच्छी है या ऑनलाइन अर्निंग अच्छी है। तो अक्सर दोस्त मेरे से पूछते हैं, डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ने आपको अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनाया, आपने पार्ट वन किया, पार्ट टू आपका इंशाल्लाह करीब पूरा होने वाला है, तो आप इतना टाइम ऑनलाइन जॉब्स को, अर्निंग को क्यों देते हैं? तो मैं बताता चलूँ कि जब हम 2011 में FSC करते थे तो हमारे कुछ दोस्त वो मैथमेटिक्स में उन्होंने दाखिला लिया था, और हमें लगता था कि ये लोग रायगां मेहनत कर रहे हैं और इनको मिलना कुछ भी नहीं है। तो बाद में किसी का एडमिशन UET लाहौर में हुआ, किसी का एडमिशन UET टैक्सला में, किसी का BZU में, QM बहावलपुर में, तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर। तो ऐसे ही हुआ कि उन बेचारों ने बहुत ही अच्छे स्कोर किए थे, मैथ्स में किसी के 196/200 थे, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिला। बड़े अफसोस के साथ मेरे प्यारे इंजीनियर भाई, किसी ने एजुकेशन में जो है वो 14 स्केल पे काम कर रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, और जो बहुत ही जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, उन्होंने किसी ने इंजीनियर होटल भी चाय का बनाया हुआ है। तो ये बड़े दगर दगू हालात थे। और आजकल का जो ज़माना है, मुझे अगेन यही लगता है कि हमारे मेडिकल के जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और FMGs जो रशिया और चाइना से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है। लाहौर में अगले दिन मैं अपनी बेगम का इंटरव्यू देने गया, तो पहले तो 1.5 घंटा उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया, फिर 35,000 उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे। दूसरे अस्पताल में गया, मैं बगैर मुबालगा रही कह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा हम 40,000 देंगे। तो हमने इतनी मेहनतें की हैं और लाहौर में ये रिवार्ड है, डॉक्टरों बेचारों की कोई वैल्यू नहीं है। और इस फील्ड में स्ट्रेस का ये आलम है कि आधे डॉक्टर जो है वो बेचारे एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं, और उनकी जो सोशल लाइफ है वो डिस्टर्ब है, और इस फील्ड से वो गायब मुतमिन है। तो अब बात करता हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग की, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने टेलीग्राम पे जब काम शुरू किया था तो मैं अमाउंट तो नहीं बताऊँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इससे मैंने अपना गांव वाला घर भी बनवाया और तौसा शरीफ वाला घर भी बनाया, अपनी शादी के पैसे भी निकाले, उसके बावजूद भी जो है वो मैंने GLI गाड़ी भी ली 17 माह में। जबकि जो मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, इससे मैंने 1,04,20,000 की एक सुजुकी कल्टस ली थी, और उसमें भी मैंने 1,20,000 उधार पे बाद में दिया था, 3 लाख मेरा नकद हुआ था, जिसमें भी कुछ बकाया जात पीछे से मिल गए थे। तो बाकी कुछ दिन पहले मैंने और एक काम किया था ऑनलाइन का, वहाँ से भी मुझे 6 लाख रुपए मिले, जो कि मैंने 15 से 20 दिन मेहनत की। यहाँ पे अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में, प्राइवेट अस्पतालों में मैं काम करूँ, तो स्पेशलिटी की ट्रेनिंग होने के बावजूद भी मुझे 70,000 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। और अगर मैं पूरी पूरी नाइटें डबल ड्यूटियाँ करूँ और 12 महीने में 12,070 तो 8,40,000, इसमें गाड़ी का, उठने बैठने का, शॉपिंग का खर्चा निकालूँ, तो मुझे 6 लाख ही बचेगा। यानी मैं पूरा साल मेहनत करूँ और मुझे मिलेगा 6 लाख। और अगर ऑनलाइन मेरा 15 दिन भी काम अगर अल्लाह ताला देने पर आ जाए, तो 6-7 लाख मुझे 15 दिन में मिल जाता है। तो इसलिए इस काम को मैं तो बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। जितने भी मेरे डॉक्टर्स भाई हैं, इंजीनियर भाई हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं FSC में, और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है। इंडिया हमसे इसलिए आगे जा रहा है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में छाए हुए हैं। आप उनको अमेजान पे काम सिखाएं, ईबे पे सिखाएं, अपवर्क पे सिखाएं, फ्री वर्क, फ्री लांसिंग जो जितनी भी है, फाइवर पे सिखाएं। यूट्यूब जो है वो इंटरनेट के काम की आखिर है। यूट्यूब पे जो एक दफ़ा आप मेहनत कर रहे हैं, उसका सिला आपको सालों तक ही मिलता रहेगा। इंसान थोड़ा जल्दबाज वाकई हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आज ही आप मेरे से काम सीखो या किसी यूट्यूबर से, किसी से, और आज ही अपने काम शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन आएगी ज़रूर, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, और जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ पे एक चिंगारी ही काफ़ी होती है। हमारा मुल्क अब जब मुआशी तौर पे दगदगों का, बदहाली का शिकार है, तो डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। अगर आप $100 भी कमाते हैं तो वो आपको 22,000 बनता है। तो इसलिए यहाँ पर तो ऑनलाइन जॉब्स के बहुत मौके भी हैं और इसमें रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा है। तो फैसला आपने खुद करना है, इंशाल्लाह ताला आपको इसका जवाब मिला होगा। अस्सलाम वालेकुम।